तो पिछला लेक्चर जो था उसमें हम लोग जी प्रोटीन को देख रहे थे, जीपीसीआर में। अभी उसी क्रम का आगे बढ़ाएंगे। पिछला लेक्चर तो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन हम एक बार उसी को उठाते हैं। हम अभी जी प्रोटीन के मॉलिकुलर लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। जैसे जी प्रोटीन में दो तरह का स्विच है, स्विच वन स्विच टू। तो कहते हैं कि स्विच वन में कौन सा अमाइनो एसिड जो है वह महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो होता है थ्रियोनिन, 35th पोजिशन पर। और स्विच टू में ग्लाइसिन, 60th पोजिशन पर। यही वो अमाइनो एसिड्स है दोनों स्विच में जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ठीक है ना। क्यों क्यों अदा करते हैं? क्योंकि दे बाइंड टू टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ टायरोसिन। अभी बताए थे टायरोसिन, तो टायरोसिन फॉस्फेट के हाइड्रोक्साइल ग्रुप पर ये जाकर जुड़ता है। तो साइंस में ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टायरोसिन को देखें तो टायरोसिन कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये CH2 हो गया, ये टायरोसिन है। ग्लाइसिन तो बहुत ही आसान है, ये ग्लाइसिन हो गया। थ्रियोनिन देखें, ये भी एक आसान सा ही है स्ट्रक्चर। CH3 OH। तो इस प्रकार से ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वह इस काम में मदद करते हैं, ठीक है ना। अब जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वह GTP और प्रोटीन को जोड़ता है। देखिए GTP हो गया, और चूंकि प्रोटीन के साथ जुड़ना है तो हम प्रोटीन भी लिख देते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड है इन सब के लिए? तो हम लोग कहते हैं प्रोटीन में एक खास अमाइनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन, और वह इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट्स एज अ स्प्रिंग। स्प्रिंग समझते हैं, जिस पर कूद कर कहीं भी पहुंचा सकता है। एक्ट एज अ स्प्रिंग टू होल्ड, किसको होल्ड करता है? प्रोटीन एक्शन, प्रोटीन एक्शन को होल्ड करने के लिए इस स्प्रिंग का यूज किया जाता है। कैसे? कि जब GTP टूटता है किस चीज में? GTP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, प्लस एनर्जी में, तो हाइड्रोजन बॉन्ड लॉस्ट रहता है वहां। हाइड्रोजन बॉन्ड लॉस्ट मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहता है। और जब वहीं पर यह प्रोसेस रिवर्ट करता है, GDP से वापस GTP में एक्टिवेट होता है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट। तो सोचिए कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपको एक डायग्राम से बताएंगे भी, एक डायग्राम की मदद से आपको हम बताते हैं। बुक से ये डायग्राम लिया गया है। देखिए एक डायग्राम, समझने वाला डायग्राम है ना। सिग्नल इन, सिग्नल आ रहा है, ये जी प्रोटीन है, और ये सिग्नलिंग बाय फॉस्फोराइल प्रोटीन, मतलब इसमें फॉस्फेट जोड़ के काम किया जा रहा है, और ये सिग्नलिंग बाय GTP बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब दो तरीके से सिग्नलिंग को दिखाया जा रहा है, एक फॉस्फेट को जोड़कर और एक GTP को जोड़कर। फॉस्फेट में क्या है कि ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन में
एक फॉस्फेट जुड़ गया, इधर से देखेंगे तीर है, ये फॉस्फेट जुड़ गया, फॉस्फेट जुड़ने से इसका एक साइट जो है वो एक्टिव हो गया। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, थोड़ा आप लोगों को बड़ा दिखेगा। चलिए आप देखिए कि यहां पर कंपेयर किया है दो को, कि ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन में प्रोटीन काइनेज की मदद से एटीपी में से एक फॉस्फेट निकल के यहाँ आ गया और ये एक्टिव हो गया, और इस जब एक्टिव हुआ तो ये हो गया ऑन, और ऑफ होने के लिए इसका ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया, ऑफ हो गया। जी जी प्रोटीन में क्या दिखाता है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ जीडीपी जुड़ा हुआ, ठीक है, जीडीपी प्रोटीन को, जीडीपी को हटा दिया, रिमूव, और जीटीपी को अंदर डाल दिया, तो यहां जीटीपी हो गया, ये सिग्नलिंग एक्टिवेट हो गया। यहां पर चूंकि जीटीपी को निकाल कर जीटीपी डाला है, इससे गुआनोसाइन एक्सचेंज फैक्टर यहां लगा हुआ, और जब वापस इसको एक्टिवेट करना है, जीटीपी में लाना है, तो इससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए यहां पर जीटीपीएच का एक्शन चाहिए, जीटीपीएच के एक्शन के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैप, जीटीपीएस एक्टिवेटर प्रोटीन, तो जीटीपीएस एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वह इसको करता है। ये एक फंडामेंटल काम करने के तरीके को जो है वह दिखाया गया यहाँ पर। अब हम लोग जी प्रोटीन की तो एक बातों को हमने देखा, बीच बीच में जो नई जानकारियां हम जो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं रिसेप्टर को, क्योंकि जीपीसीआर में तो रिसेप्टर भी है, जीपीसीआर, जी को देख लिया, अब आर को देखें, आर बोले तो रिसेप्टर, ये रिसेप्टर क्या है, ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर, मतलब ये रिसेप्टर कहाँ मिलता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर में, ठीक है ना। जितने भी जीपीसीआर है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऑल जीपीसीआर हैज टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसमें, सभी जीपीसीआर्स में दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, पहला जी प्रोटीन, इसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर बाइनरी स्विच विथ बिल्ट इन टाइमर। जब भी कोई पूछे जी प्रोटीन के बारे में, अगर साइंटिफिक तरीके से बोलना है तो बोलना है मॉलिकुलर बाइनरी स्विच, बाइनरी मतलब दो, ऑन ऑफ स्विच वन स्विच टू, विथ बिल्ट इन टाइमर, जिसके अंदर अंदर में अपना टाइमर टाइमर फिक्स रहता है, तो ये सब में कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। दूसरा, सेवन हेलिकल स्पैंस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, अर्थात जो भी जी प्रोटीन्स होंगे वह मेम्ब्रेन में सात हेलिकल स्पैंस का मतलब हो गया कि सात बार ये मेम्ब्रेन से गुजरेंगे। देखिए, एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में आपको मिल जाएगा ये रिसेप्टर सात बार गुजरते हुए। जब सात बार गुजरने की बात होगी कैसे होगी, एक दो तीन चार पांच छ सात,
है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये हो गया मेम्ब्रेन और ये हो गया रिसेप्टर, जीपीसीआर का रिसेप्टर जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट होता है, ठीक है। चलिए, इसी बीच में मैं ढूंढ रहा था वो जी प्रोटीन का जो हाइड्रोजन वाला मैंने बताया था उसके बारे में, तो मैं ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उस डायग्राम को आप लोग के लिए अलग से बनाया था। मैं पहले उस डायग्राम को आप लोग को एक बार समझा देता हूँ। जी प्रोटीन, जी प्रोटीन से उन्होंने क्या कहा था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये स्प्रिंग को होल्ड करने और खोलने में मदद रखता है। इसी चीज को एक डायग्राम की मदद से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो, सब लोग अपने कलम कॉपी कलम को एक्टिवेट कर लीजिए, और एक्टिवेट करके इस डायग्राम को बनाइए। ये जो दो डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम में पहला डायग्राम जो है वो जीटीपी का है, मतलब जी प्रोटीन में जब जीटीपी कॉम्बिनेशन होता है, और ये जीडीपी जब रहेगा तब हो। हम लोग मानते हैं कि जीडीपी जो है उसमें तीन फॉस्फेट है, और ये एक्टिवेशन पार्टिसिपेट करते हैं, जीटीपी में दो फॉस्फेट। अब आप देखिए, ये जो तीन फॉस्फेट है वो यहाँ है, एक फॉस्फेट, फिर वो ऑक्सीजन की मदद से जुड़ा हुआ है दूसरा फॉस्फेट से, फिर वो ऑक्सीजन की मदद से जुड़ा हुआ है तीसरा फॉस्फेट से, एंड सो ऑन। ये तीन फॉस्फेट, डबल बॉन्ड ओ, ऊपर माइनस चार्ज, यहां पर फॉस्फेट पर ऑक्सीजन माइनस चार्ज, ठीक है, और यहां पर भी ऐसा ही कुछ, ये नहीं है तो एक साइड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, देखिए, और ये हो गया डबल बॉन्ड ऊपर से माइनस, ये होता है फॉस्फेट, इस तरह के से स्ट्रक्चर है। और एक विंग पर है थ्रियोनिन, देखिए एक विंग पर है थ्रियोनिन, 35 पोजीशन है उसका माइनस, और एक विंग पर है ग्लाइसिन जो 60th पोजीशन पर, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से उसी बॉन्ड को हम यहां एक स्प्रिंग के रूप में दिखा रहे हैं, ये इंटरैक्टिव एक रूप में दिखा रहे हैं। देखो साहब, ये ऐसे है, जब जीटीपी रहता है तो इस तरह से, जैसे ही एक फॉस्फेट निकल गया, ठीक है ना, ये अल्फा फॉस्फेट कहलाता है, ये बीटा फॉस्फेट कहलाता है, और ये गामा फॉस्फेट कहलाता है। जैसे ही गामा फॉस्फेट निकला, जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसको हम लोग बोल रहे हैं गामा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जैसे ही निकलेगा तो देखिए स्टेटस क्या होगा, स्टेटस हो गया ऑक्सीजन फॉस्फेट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉस्फेट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके ओके ओके, एंड देखिए अब सिर्फ कौन कौन बचा है, अल्फा एंड बीटा बचा है, गामा निकल गया। गामा निकलते ही क्या होगा, इंटरेक्शन तो गामा के साथ हुआ था, तो जो टायरोस जो थ्रियोनिन है 35th पोजीशन पर वो भी फ्री हो गया, और ग्लाइसिन जो है 60th पोजीशन पर वो भी फ्री हो गया। अब जब जीटीपी था और इस तरह से स्प्रिंग था, इसका एक सिग्नल था, मतलब अगर हम बोले कि ये स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, और जैसे ही यहां से गामा फॉस्फेट निकल गया, बचा सिर्फ कौन, बीटा एंड अल्फा,
ये दोनों बचा, गामा का जगह खाली हो गया तो स्प्रिंग भी खुल गया। स्प्रिंग खुलते ये दोनों अपने अपने डायरेक्शन में स्ट्रेच हो गया और जो सिग्नल था वो क्या हो गया, जो स्विच था वो क्या हो गया, ऑफ हो गया। ये डायग्राम समझाने के लिए इसलिए बनाया गया कि आप जो हम लोग का स्विच बोर्ड है घर में, जिससे हम लोग पंखा बल्ब चलाते हैं जलाते हैं, उसमें क्या होता है कि ऑन वाला स्विच का मतलब क्या होता है कि जैसे स्विच को दबाते हैं तो वो करंट फ्लो को जोड़ देता है, और जैसे ही स्विच को ऑफ वाला बटन की तरफ दबाते हैं वो करंट फ्लो को डिस्कनेक्ट कर देता है। लाइक दिस वन, ये सर्किट है, ये स्विच है, ओके, और इसमें जुड़ा हुआ है ये यहां पर बल्ब। देखिए ये बल्ब जुड़ा हुआ है इसके साथ, दिस इज बल्ब। अभी क्या है कि हमने जिस स्विच को, जो ये हमारा स्विच है, एक मैं एक स्विच बना दूं, ये हमारा स्विच है, जिस स्विच को अभी हमने इस तरह से दबा के रखा है तो ये सर्किट खुला हुआ है, ओके, मतलब ये जीडीपी कॉन्फ़िगरेशन में। अभी क्या हुआ, ये जो सर्किट है वो सर्किट एक्टिवेट हो गया। क्यों एक्टिवेट हो गया, क्योंकि स्विच जो है, ये जो सर्किट है वो कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू होते ही इस स्विच में जो बल्ब लगा हुआ है वो बल्ब क्या हुआ, जलने लगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि अब हमने स्विच बोर्ड को उल्टे डायरेक्शन में दबा दिया। तो पहले इसको ऐसे दबाया था तो ये ऑफ था, अब इसको इस साइड से दबाया तो ये हो गया ऑन। तो यही चीज बता रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो आपको एक सिंबॉलिक तरीके से ये दिखाया जा रहा है स्विच, ये यही वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्प्रिंग, यही वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्प्रिंग है जो इस डायग्राम में दिखाने की चेष्टा की गई। अभी जो है ये कनेक्ट कर दिया तो स्विच ऑन हो गया, और जैसे ये फास्फेट बाहर निकल गया तो ये खुल गया तो स्विच ऑफ हो गया। ये इस डायग्राम का कॉन्सेप्ट था जो मैं ढूंढ रहा था और आप मिल गया मुझे। अब वापस आते हैं अपने रिसेप्टर को देखने। तो यह जो रिसेप्टर है इसमें हमको कितने स्पैन दिख रहे हैं, 7। पहला स्पैन, दूसरा स्पैन, तीसरा स्पैन, चौथा स्पैन, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो सब में रहता है, ओके? तो किसी भी जीपीसीआर में जो रिसेप्टर है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और उसके साथ जुड़ा रहता है कौन, उसके साथ जुड़ा रहता है जी प्रोटीन। इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो हो गया डायग्राम बना रहे हैं ये क्या है, जी प्रोटीन। जैसे ही इस कॉम्बिनेशन में आया देन ये इंटायर पूरा सभी चीजों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, जीपीसीआर। तो आपको क्या क्या मिला इसमें, पहला पार्ट में मिला स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो है उसमें क्या है, 7 हेलिकल है, 7 हेलिकल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है इफेक्टर एंजाइम इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला इफेक्टर एंजाइम, ठीक है ना, ये क्या करता है, जेनरेट सेकेंड मैसेंजर। ये सेकेंड मैसेंजर को जेनरेट करता है, और थर्ड जो होता है उसमें दैट इज अ जी प्रोटीन। तो किसी भी जीपीसीआर में, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में, 3 हिस्से हमें देखने को मिलते हैं। पहला मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो सरपेंटाइन 7 हेलिकल होता है, दूसरा जी प्रोटीन, और तीसरा एक एंजाइम होता है जो इस मेम्ब्रेन में होता है और जो इसके सेकेंड मैसेंजर को जनरेट करने में मदद करता है। ये सब कुछ सीखना है, ये भी पढ़ना है, सेकेंड मैसेंजर क्या होता है, क्या कहलाते हैं ये सभी चीज।
ह्यूमन जीनोम जो है लगभग 350 से ज्यादा जीपीसीआरस के लिए इनकोड करता है। तो हम लोग का जो जीनोम है, ह्यूमन जीनोम, जीनोम इनकोड्स मोर देन 350 जीपीसीआरस, मतलब बहुत सारे जीपीसीआरस हैं ऐसे। ये 350 जीपीसीआरस जो होते हैं वो किस काम के लिए होते हैं? फॉर डिटेक्टिंग हार्मोन, हार्मोन को डिटेक्ट करने के, ठीक है, हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स जिसे हम लोग जीएफ्स कहते हैं, एंड अदर एंडोजीनस जीनस सिग्नल्स। ये समझिए कि इन सब के लिए लगभग 350 जीपीसीआरस होते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या आया, क्या आया? अबाउट 500 जीपीसीआरस, 500 जीपीसीआरस फॉर स्मेल, स्मेल को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, एंड टेस्ट मतलब गस्टैटरी, मतलब हमारे स्वाद और सुगंध के लिए लगभग कितने हैं, समझिए लगभग 500 जीपीसीआरस मौजूद हैं। इतना सारा जीपीसीआरस क्या काम करता है? अगर काम के बारे में बात करें तो मतलब लगभग 50% ऑफ द 50% ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर caused due to defect in GPCR, defects in GPCR। अब समझिए कि हमारा जो 50% अबाउट बोल दें, यहां पर लिख देते हैं अबाउट 50% बीमारियां जो है हमारा वो GPCR से कारण होता है। जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल अगर देखें, पहला एलर्जीज, जितने भी प्रकार के एलर्जीज होते हैं वो GPCR का प्रॉब्लम। दूसरा डिप्रेशन, ये डिप्रेशन का इश्यू भी GPCR से जुड़ा हुआ। ब्लाइंडनेस में भी GPCR का रोल देखा जाता, डायबिटीज में भी GPCR का रोल देखा जाता, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज में भी GPCR का रोल देखा जाता। जैसे ग्लूकोमा जो आंख में होता है उसमें भी GPCR है, ग्लूकोमा। साथ ही साथ बेचैनी, एंजाइटी, GPCR, माइग्रेन, ये भी GPCR, ठीक है, कॉमन कोल्ड एंड कफ, क्योंकि एलर्जी का ही पार्ट है। आप सोचिए कि मतलब ये सभी क्या है? GPCRs हैं भाई, इतने GPCRs हैं। तो जो दवाइयां दी जाती हैं वो दवाइयां इन्हीं GPCRs को रेगुलेट करने के लिए दिया जाता है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग है। अब हमारे लिए एक इशू होता है कि हम अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एड्रेनलिन GPCR जो है उसको हम लोग देखेंगे, इसके काम को सीखेंगे, फिर सेकेंड मैसेंजर सीखेंगे, और आपको अच्छा लगेगा इन सब चीजों को सीखेंगे।